हाय कमर्स सेंस, मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल द कमर्स सेंस। दोस्तों, इस चैनल पे हम कमर्स रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप ये जरूर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस के अंदर लेजर और जर्नल के पोस्टिंग के बारे में। समझेंगे कि कैसे उनकी एंट्रीज को इसके अंदर लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये नहीं जानते कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, तो आप ये सारी बातें हमारे पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। ये समझने से पहले कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि ट्रांजेक्शन लिखा कहा जाता है। तो दोस्तों, एक फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग के अंदर, जिसको हम टी फॉर्मेट भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, जबकि राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट को डिनोट करता है, वही राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट को डिनोट करता है। ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि डेबिट को डीआर से बताया जाता है, वहीं क्रेडिट को सीआर से बताया जाता है। अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस समय जो हमारा शब्द है बाय, वो बताता है कि ये अमाउंट डेबिट है, वहीं अगर शब्द टू हो तो बताता है कि वो क्रेडिट है। मतलब बाय क्रेडिट को, बाय डेबिट को डिनोट कर रहा होता है और टू क्रेडिट को डिनोट कर रहा होता है। तो अगर आप ये छोटी सी बातों को याद रखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ, जिसका थंबनेल देख के आप यहाँ पे आए। आसान भाषा में कैसे समझे जर्नल एंट्री को, तो दोस्तों याद रखेंगे ए ई एल आई सी क्या है। ए ई एल आई सी तो ए है एसेट, ई फॉर एक्सपेंस, एल फॉर लायबिलिटीज, आई फॉर इनकम, एंड सी फॉर द कैपिटल। मतलब ये अगर पांच चीजें बढ़ती हैं या घटती हैं तो इसके अनुसार जर्नल एंट्री करना काफी आसान होता है। AE मतलब एसेट और एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ध्यान दे दोस्तों, एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़े तो हम डेबिट करते हैं, वहीं अगर ये घटे तो हम क्रेडिट करते हैं। इसके साथ ही अगर LIC लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल बढ़े तो हम क्रेडिट करते हैं, वहीं अगर ये घटे तो हम डेबिट करते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको काफी आसानी से याद हो जाएगी, और अगर आपको ये आसान सी बात याद हो जाए तो आपके लिए जर्नल एंट्री पास करना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 1000। मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है राम, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना फॉर्म स्टार्ट करता है 1000 रुपीज के साथ। ध्यान देंगे दोस्तों, 1000 रुपए के साथ, मतलब उसका कैपिटल बढ़ रहा है, जो उसके फॉर्म में कैपिटल है वो बढ़ रहा है। इसके साथ ही बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कैश भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स हमें साफ तौर पे देखने को मिल जाते हैं, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कैश हमारा एसेट होता है, और कैपिटल के बारे में हम ये समझ लें कि अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कैश क्योंकि एसेट है तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको जो सजा देते हैं हमारे टी शेप अकाउंटिंग फॉर्मेट में, तो कैश बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट साइड में हो गया हमारा कैश, वही कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में हो गया कैपिटल। तो दोस्तों, जब आप इतना बना लेते हैं, इतनी बातों को समझ लेते हैं, तो अब जर्नल एंट्री को लिख देना मात्र एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो देखते हैं कैसे। पहला हुआ बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देख लेते हैं, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लीव फोलियो दोस्तों, वैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में बता दिया था, इसमें हम बताते हैं लेजर का नंबर। तो मान लीजिए नंबर वन है, डेबिट हुआ था 1000 से, क्रेडिट 1000। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेड 10,000 टू श्याम फॉर प्लांट एंड मशीनरी।
दोस्तों राम जो है पे करता है 10,000 रुपीज श्याम को फार्मास्यूटिकल के लिए। एक बात याद रखनी, छोटी सी बात है कि अगर हमारा पर्पस नहीं दिया होता है तो ही नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक पर्टिकुलर नाम दिया है श्याम, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिया होता, क्योंकि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिया है तो हम उस पर्पस को यूज करेंगे, उस पर्पस के नेम को यूज करेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है ये एसेट है, सिंपल सी बात है, और ये बढ़ रहा है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं एसेट, तो एसेट बढ़ रहा है। वहीं पे जब हम परचेज करते हैं तो हमारा कैश क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान देंगे कि हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है। अब दोस्तों फिर से उसी फॉर्मेट वापस आते हैं, कैश हमारा एसेट है, तो एसेट अगर घटता है, एसेट अगर घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। वहीं पे अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो ये भी एसेट है लेकिन ये बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, तो एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एसेट को क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे। तो फिर से दोस्तों अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, इसको 0 to 10,000। दोस्तों अगर आप जनरल एंट्री बना लेते हैं, अगर आप जनरल एंट्री को समझ लेते हैं तो लेजर भी बस एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप जनरल एंट्री को समझ चुके हैं, अच्छे से समझते हैं, तो लेजर बनाने के लिए छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, टू और बाय। ध्यान देंगे डेबिट को डिनोट तो बाय से करते हैं लेकिन लेजर बनाते वक्त डेबिट साइड में हमेशा टू वाले अकाउंट को लिखते हैं, टू वाला अकाउंट पढ़ेंगे आगे, बाय वाले अकाउंट को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब मान लीजिए क्योंकि हम लेजर किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का बनाते हैं तो हम इसमें से सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है कैश को लेके, तो हम कैश अकाउंट का बनाते हैं। यहां हुआ कैश अकाउंट। अब क्योंकि हम कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के एंट्रीज को समझने का प्रयास करेंगे। पहले एंट्री क्या है, बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब बाई कैश अकाउंट के द्वारा टू कैपिटल अकाउंट, कहां हुआ टू कैपिटल, ध्यान देंगे बाई कैश टू कैपिटल, बाई कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसके मर्तबे देखेंगे कि उसकी एंट्री कहां हो रही है, तो बाई कैश टू कैपिटल अकाउंट कितना से था, 1,000 रुपीज। अब ध्यान दे दोस्तों, बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाई क्योंकि बाई वाले इंट्रेस्ट क्या लिखते हैं जैसा मैंने कहा था, तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बाई प्लांट एंड मशीनरी टू कैश। तो अगर आप जनरल एंट्री को समझ चुके हैं, उसको बनाना जानते हैं, तो लेजर में पोस्टिंग बस एक सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही सिंपल। बस इतना याद रखेंगे कि टू वाले के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको यहां लिखते हैं, वहीं बाई वाले सारे अकाउंट्स को यहां लिखते हैं, छोटा सा ट्रिक। और उसके साथ जिस भी अकाउंट के बारे में बना रहे हैं उसकी एंट्री नहीं करते हैं। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हम जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बाय में कैश अकाउंट को लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। टू में कैश अकाउंट को लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। समझे, सिंपल सी बात, बाय कैसे मतलब कैश के पहले बाय हुआ, टू कैश है तो कैश के पहले जिसका भी बना रहे हैं उसके आगे उस प्रीफिक्स को फिट कर देंगे, जो भी बाय और टू है उसको हम फिट करके देखेंगे, सिंपल सा हो जाएगा हमारे लिए लेजर बनाना। जैसे यहां पर टू था, हमने इसके पहले टू लगाया तो बचा कौन, बाई पीएल अकाउंट, तो बाई पीएल अकाउंट। वहीं पे अगर हम बाई कैश था, इसके पहले बाई लगाया, कहां हुआ टू कैपिटल अकाउंट। और कुछ अगर समझ आ जाए तो ध्यान दे कि कैश अकाउंट डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट में किसको हुआ, टू कैपिटल अकाउंट में हुआ।
वही कैश अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में किसको किया, रियल अकाउंट को किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको हेल्प करेंगे जर्नल और लेजर को आसानी से समझने में। दोस्तों एक बात और याद रखेंगे कि जर्नल और लेजर आपको प्रैक्टिस से ही पूरी तरह से समझ में आएंगे, आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको समझने के लिए। आप ट्रिक को इस्तेमाल करें, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताएं, इससे संबंधित हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। और याद रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धन्यवाद।